मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा का नाम इतिहास में वीरता और अद्भुत योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। कुंभा का आतंक ऐसा था कि आस पड़ोस के राजा उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। मेवाड़ के आसपास जो राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। जो राणा कभी भी युद्ध में दुश्मनों से नहीं हारे, वो अपने बेटे के हाथों मात खा गए। इन्हें इनके बेटे ने ही धोखे से मौत के घाट उतार दिया। महाराणा कुंभा का जन्म मेवाड़ के महाराणा मोकल के घर में हुआ था। महाराणा मोकल की 1431 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठे। गद्दी पर बैठने के बाद महाराणा कुंभा ने अपने दुश्मन देवराज चौहान को हराकर आबू पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने मालवा की ओर कूच किया और वहाँ के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया। राणा कुंभा वीर योद्धा होने के साथ साथ ही एक न्यायप्रिय राजा भी थे। मेवाड़ की जनता भी उन्हें बहुत चाहती थी। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन महाराणा कुंभा की लोकप्रियता से उनका बड़ा बेटा उदय सिंह खुश नहीं था, जो कि एक राणा कुंभा के विपरीत महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसे मेवाड़ की गद्दी मिल जाए, लेकिन राणा कुंभा के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए उसने अपने पिता को मारने की साजिश रची। उसे पता था कि सुबह कुंभा भगवान शिव की पूजा करने के लिए निहत्थे मंदिर जाते हैं। राणा कुंभा के आने से पहले ही मंदिर में जाकर छिप गया, और जब राणा कुंभा मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे, तब उसने पिता के खून से उस मंदिर को लाल कर दिया और खुद मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। उदय सिंह चतुर प्रशासक और कुशल योद्धा नहीं था, यही वजह थी कि उसने सत्ता में आने के 5 साल के भीतर ही मेवाड़ के बड़े क्षेत्र को खो दिया। राजपूत सरदारों के विरोध की वजह से उदय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई राजमल को गद्दी पर बैठाया गया, जिसने 1473 से 1509 तक शासन किया।